गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, डॉक्टर राकेश सिंह फ्रॉम KSIS एकेडमी पटना। आज हम लोग बिहार स्पेशल पे चर्चा करेंगे, जो हमारा 67th BPSC PT टेस्ट सीरीज का टेस्ट 6 है। और इस चर्चा से पहले एक अनाउंसमेंट करना चाहते हैं कि मंडे से यानी 20 तारीख से हम लोग के क्वेश्चन पेपर के नंबर ऑफ क्वेश्चन में, क्वेश्चन की संख्या में बदलाव आ जाएगा। बदलाव ये है कि अभी तक हम लोग पर टेस्ट 50 क्वेश्चन करते थे, 25 क्वेश्चन भारत के आधार पर और 25 क्वेश्चन बिहार स्पेशल। अब हम लोग इस 50 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन एवरीडे करंट अफेयर्स का भी ऐड कर देंगे, यानी टोटल क्वेश्चन होगा 75 क्वेश्चन। और करेंट अफेयर्स में भी 15 क्वेश्चन होगा इंडिया के आधार पे या अंतर्राष्ट्रीय आधार पे, और जो 10 क्वेश्चन होगा वो बिहार का करेंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा। तो इस तरह से हम लोग 75 क्वेश्चंस मंडे टू फ्राइडे कर लें, और साथ में हर एक संडे को जो हम लोग 150 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज करते हैं, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज करते हैं, तो अक्टूबर एंड तक हम लोग करीब 1800 से 2000 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। यदि आप 1800 से 2000 क्वेश्चन को सिर्फ सुन भी लेते हैं, इसके डिस्कशन को आप सिर्फ सुन भी लेते हैं, तो आपका कोर्स जो है कंप्लीट हो गया। और नवंबर में फिर हम लोग अतिरिक्त क्वेश्चन लाएंगे, इस 2000 के अलावा भी अतिरिक्त 2000 क्वेश्चन लेके आएंगे। कहने का मतलब कि आप दो बार सिलेबस को रिवाइज कर चुके होंगे, छोटा से छोटा पॉइंट से बड़ा पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे, और इस डिस्कशन के आधार पे जो है आप जब 12 दिसंबर का जो संभावित 67 BPSC PT का दिन है, उस दिन आप काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ जाकर एग्जामिनेशन हॉल में उतरेंगे, और हम 100% श्योर हैं कि आप लोग मिनिमम 150 क्वेश्चन में से 125 से 30 क्वेश्चन बनाएंगे, 125 टू 30 क्वेश्चन आपका सही रहेगा मिनिमम, क्योंकि ये जो हम लोग टेस्ट सीरीज का जो माध्यम है बहुत ही सुपर सक्सेसफुल मॉडल है। जिस दिन आप 2000 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, आप इमेजिन कीजिए 2000 क्वेश्चन कितना होता है, और अक्टूबर 30 अक्टूबर तक हम लोग उसको खत्म कर देंगे, फिर 1 नवंबर से स्टार्ट करेंगे, 30 नवंबर तक अगला 2000 क्वेश्चन में दो बार आपका सिलेबस जो है ऊपर नीचे हो जाएगा। मात्र सुनने मात से ही आप लोग सक्सेसफुल हो जाइएगा, और तो और आप लोगों को नोट्स भी बनाना चाहिए। चलिए हम लोग डिस्कशन चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु अमंग द फॉलोइंग पीपल फ्रॉम बिहार हैज बीन कॉन्फर्ड द नेशनल टीचर्स अवार्ड इन 2020। बिहार के निम्नलिखित लोगों में से किसे 2020 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, अब हो गया है था, क्योंकि हम लोग 2020 की बात कर रहे हैं। तो अपने नोट्स में दो डाटा बनाइएगा, एक 2020 में बिहार के कौन से शिक्षक को या टीचर को नेशनल टीचर अवार्ड मिला, और 2021 का भी। तो 2020 में मिला है संत कुमार शाहनी यानी ऑप्शन ए, और दूसरे हैं अखिलेश्वर पाठक, ये दोनों नाम याद रखिएगा, संत कुमार शाहनी और अखिलेश्वर पाठक, 2020 में इन दोनों को मिला है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही ऑप्शन है ई। अब जो है अब हम लोग चलते हैं 2021 में, 2021 में जो राष्ट्रीय पुरस्कार शिक्षकों को मिला उसमें से बिहार से कितने टीचर थे, तो एक टीचर थे चंदना दत्त, याद रखिएगा चंदना दत्त, जो कि मधुबनी से ये टीचर हैं, और दूसरे का नाम है हरिदास शर्मा, ये कैमूर जिले से आते हैं। तो 2020 का यदि पूछा जाए कि कौन से बिहार के शिक्षक को नेशनल टीचर अवार्ड मिला है या राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान मिला है, तो 2020 के लिए हैं, एक हैं आपके अखिलेश्वर पाठक, ध्यान रखिएगा, और दूसरे हैं संत कुमार साहनी। और 2021 इस साल वर्तमान साल में जो टीचर हैं वो हैं चंदना दत्त, जो कि मधुबनी से
संबंधित हैं, मधुबनी में स्कूल है मिडिल स्कूल, राजनगर में वहाँ से हैं, और दूसरे हैं हरिदास शर्मा जो कि कैमूर डिस्ट्रिक्ट के रामगढ़ से हैं। क्वेश्चन नंबर टू, व्हेन इज जल जीवन हरियाली डे इज सेलिब्रेटेड इन ऑल स्कूल्स ऑफ बिहार? बिहार के सभी स्कूलों में जल जीवन हरियाली दिवस कब मनाया जाता है? खास करके 2020 में हरेक महीने के पहले मंगलवार को स्कूल में जल जीवन हरियाली दिवस मनाया जाता था। तो क्वेश्चन नंबर टू का सही ऑप्शन है बी, सवाल नंबर दो का सही ऑप्शन है मंगलवार। बिहार के सभी स्कूलों में जल जीवन हरियाली दिवस हरेक महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता था, उसको हम लोग कहते हैं जल जीवन हरियाली दिवस। जल जीवन हरियाली योजना है जो बिहार राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा 26 अक्टूबर 2019 को चालू किया गया था, और इस योजना के तहत राज्य में पेड़ों को लगाने के लिए राज्य में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाया जाए, छोटे तालाब बनाना, कुएं को बनाना, ये सब इस योजना का लक्ष्य है। और इस योजना में 5 चीजों पे ध्यान केंद्रित किया गया था। एक है तालाब, दूसरा है आहार पाइन, आहार जहां पे वर्षा का पानी जमा हो जाता है, तीसरा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो बारिश से पानी हो तो उसको कैसे हम लोग इस्तेमाल करें, और चौथा है पौधा लगाना, और पांचवा है कुओं का निर्माण। ये 5 चीज जो है, यानी कि तालाब, आहार पाइन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, चौथा पौधा लगाना और कुओं का निर्माण जो है सरकार द्वारा किया जाएगा, ये सरकार द्वारा होता भी है ना। और इस योजना का जो लक्ष्य है, बिहार सरकार जो इसमें लक्ष्य बनाई है अपना, वो 2021 से 2022 तक 24,524 करोड़ रुपए का, ये पूरे देश में देखा जाए तो 2021 से 2022 में 24,524 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, हु अमंग द फॉलोइंग इज इंडियाज एम्बेसडर टू फिनलैंड? रवीश कुमार, मृदुला सिन्हा, निखिल कुमार, प्रभात कुमार, मोर देन वन ऑप्शन, नन ऑफ दिस। निम्नलिखित में से कौन फिनलैंड में भारत के राजदूत हैं? रवीश कुमार, मृदुला सिन्हा, निखिल कुमार, प्रभात कुमार, ये सारे लोग बिहार के हैं, लेकिन फिनलैंड में भारत के राजदूत हैं रवीश कुमार, याद रखिएगा रवीश कुमार। रवीश कुमार IFS हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस में हैं, और जो है अभी भारत की तरफ से राजदूत हैं फिनलैंड में, इंडियाज एम्बेसडर टू फिनलैंड, और इनका जन्म भागलपुर जिला के नाथ नगर में हुआ था। तो सही आंसर है रवीश कुमार। क्वेश्चन नंबर 4, विच कैंपेन इन बिहार हैज क्रिएटेड वर्ल्ड रिकॉर्ड? बापू आपके द्वार, विच कैंपेन इन बिहार हैज क्रिएटेड वर्ल्ड रिकॉर्ड? बापू आपके द्वार, चंपारण सत्याग्रह सेलिब्रेशन, जल जीवन हरियाली, ऑल द ऑप्शंस या मोर देन वन ऑप्शंस, नन ऑफ दीज। बिहार में किस अभियान ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है? बापू आपके द्वार, चंपारण सत्याग्रह समारोह, जल जीवन हरियाली, सभी विकल्प या एक से अधिक विकल्प, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन है बापू आपके द्वार। बिहार में बापू आपके द्वार अभियान जो है विश्व रिकॉर्ड बनाया है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन है ए। अब चलते हैं, अब देखिए कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह मनाया गया, और चंपारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष 2017 से 2018 के बीच में चलाया गया था। इसी चंपारण सत्याग्रह में एक जो कहिए कैंपेन था, एक अभियान था,
जिसको हम लोग कहते हैं बापू आपके द्वार, और बापू आपके द्वार को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरह दर्ज किया गया था। इसमें था क्या, इस अभियान में जो है 40,000 से मोर देन 46,000 जो वॉलंटियर थे, कार्यकर्ता थे, ये लोग 1.5 करोड़ से अधिक घर पे गए और गांधी जी के बारे में, गांधी जी के बारे में छपे हुए पैम्फलेट्स को ये सब जगह बांटे, ताकि लोगों को गांधी जी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इसको विश्व कीर्तिमान मानी है। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर इज न्यू एम्स बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन बिहार, बिहार में नए एम्स का निर्माण कहां किया जा रहा है, तो सही ऑप्शन है दरभंगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सही ऑप्शन है दरभंगा, और इसमें जो है 1,264 करोड़ रुपए खर्च होने की अनुमान है, मीन कुल लागत, टोटल बजट फॉर दिस एम्स एट दरभंगा इज अराउंड 1,264 करोड़। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, वेयर इज न्यू एलपीजी बॉटलिंग प्लांट बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन बिहार, बिहार में नया एलपीजी बॉटलिंग प्लांट कहां बनाया जा रहा है, तो ये दो जगह बनाया जा रहा है। पहला दक्षिण पूर्वी बिहार, बिहार में यानी साउथ ईस्ट बिहार में जगह का नाम है बांका, तो एक जगह है बांका, है ना, और फिर नेपाल बॉर्डर के साथ सटा हुआ इस चंपारण में, और जो बांका वाला जो एलपीजी बॉटलिंग प्लांट है इसका निर्माण कर रही है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। बांका में जो एलपीजी बॉटलिंग प्लांट बन रहा है उसका निर्माण कर रही है आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, और पूर्वी चंपारण का जो बॉटलिंग प्लांट है उसका निर्माण कर रही है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो सही आंसर है बिहार में नया एलपीजी बॉटलिंग प्लांट कहां बनाया जा रहा है, तो एक सही ऑप्शन है पूर्वी चंपारण और सी बांका, यानी बी और सी एक से अधिक विकल्प, क्वेश्चन नंबर 6 एक से अधिक विकल्प। क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेशन विल फर्स्ट किसान रेल कवर, देश का पहला किसान जो रेल है किन स्टेशनों को जोड़ा था, तो सही ऑप्शन है देवलाली से दानापुर, जो भारत का पहला किसान रेल था वो देवलाली यानी महाराष्ट्र से चलकर बिहार के दानापुर तक आया था। क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन है ए। तो किसान रेल एक साप्ताहिक रेल सेवा है, और जो पहला किसान रेल जो था महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक पहुंची थी। क्वेश्चन नंबर 8, हम लोग जरा बिहार की नदी पे देखते हैं, अब जो है हम लोग बात करेंगे बिहार की नदियों पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेम्स फॉर बागमती रिवर, बागमती नदी बिहार की एक महत्वपूर्ण नदी है, और इसी पे क्वेश्चन पूछा गया कि बागमती नदी का कौन कौन सा विभिन्न नाम से हम लोग जानते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बागमती नदी के लिए नाम है। पहला है ऑप्शन है वगमुदा, हिंदी में देख लीजिए ऐसे लिखा जाता है वगमुदा। दूसरा है बाहुमती, हिंदी में इसको ऐसे लिखा जाता है बाहुमती, और सी ऑप्शन है बागवती पर प्रदेशी, बागवती पर प्रदेशी, यानी बागमती नदी का तीन ऑप्शन दिया हुआ है, वागमुदा, बाहुमती और बागवती पर प्रदेशी। सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस, सभी विकल्प जो हैं इसके लिए सही है। थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, देखिए बागमती नदी नेपाल में इसका बहुत महत्व है, वो इसलिए कि नेपाल की सभ्यता को देखा जाता है बागमती नदी से, जैसे आपके यहाँ हमारे यहाँ इंडिया में सिंधु घाटी सभ्यता है, उसी तरह बागमती नदी जो है नेपाल के लिए है।
तो ये काठमांडू नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू, उससे थोड़ा सा पहले ये इसका उद्गम क्षेत्र है और बिहार में ये प्रवेश करती है और कोसी नदी से ये मिल जाती है। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के लिए बागमती नदी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये है हम नेपाल का मैप देख रहे हैं, ये है काठमांडू और काठमांडू से थोड़ा सा पहले इस नदी का उद्गम क्षेत्र है। बागमती नदी ये नेपाल होते हुए बिहार में प्रदेश प्रवेश करती है। देखिए ये बागमती नदी यहाँ से ये बिहार हो गया, यहाँ से ये बिहार में प्रवेश कर रही है और ये जाके कोसी नदी में मिल जाती है। देखिए ये है आपका कोसी नदी, ये वाला है कोसी नदी और ये है बागमती नदी। बागमती नदी आपका जाके ये कोसी नदी में मिल जाती है। तो क्वेश्चन हम लोग था इसके नाम पे, विनय पिटक में जो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, साहित्य के रूप से और एक इतिहास के स्रोत के रूप में भी इसको पढ़ा जाता है। तो विनय पिटक में बागमती नदी को वग्गु मुदा कहा गया। वग्गु मुदा ये नेपाली नाम है। मझिम निकाय में इसको कहा गया है बागमती नदी को बाहुमती। और एक अभिलेख मिला था 477 ईस्वी का, 477 AD का, और उसमें बागमती नदी को कहा गया था बागवती पर प्रदेशी, बागवती पर प्रदेशी। तो ये डिस्कशन ओवर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। विच प्लेस डज बागमती रिवर इन बिहार एंटर्स, बागमती नदी बिहार में किस स्थान पे प्रवेश करती है। तो देखिए कि बागमती नदी जो हम लोग नेपाल में देखते हैं, एक झरने के रूप में उसको देखते हैं और नेपाल में झरने का जो रूप लेती है बागमती नदी, उसको हम लोग कहते हैं बाघ द्वार या टाइगर गेट। तो नेपाल से ये चालू होती है, बाघ द्वार के रूप में ये एक झरना होता है, वाटरफॉल होता है। ये हिमालय को क्रॉस करती है, पार करती है और तराई क्षेत्र होते हुए बिहार में प्रवेश करती है। और बिहार में जहां प्रवेश करती है उसका नाम है बैरगनिया, उसका नाम है बैरगनिया। फिर से मैप देखिए, यह है बागमती नदी और बिहार में जो ये प्रवेश कर रही है उसका नाम है बैरगनिया, बैरगनिया। तो पहले तो क्वेश्चन देख लीजिए, विच प्लेस डज बागमती रिवर इन बिहार एंटर्स, बागमती नदी बिहार में किस स्थान पे प्रवेश करती है। तो बैरगनिया है, बैरगनिया आपके ऑप्शन में नहीं है, तो ई ऑप्शन होगा यानी नन ऑफ दीज। बैरगनिया एक ऐसा जगह है जहां पे बागमती नदी बिहार में प्रवेश करती है। अब आप देखेंगे कि ऑप्शन में सीतामढ़ी दिया गया है, समस्तीपुर नरकटियागंज दिया गया है, ढेंग रेलवे स्टेशन दिया गया है। तो सीतामढ़ी के आगे जाएंगे तो समस्ती नरकटियागंज रेलवे लाइन है, एक वहां ढेंग रेलवे स्टेशन है। तो सीतामढ़ी के नजदीक में ही बैरगनिया जगह है, लेकिन चूंकि बैरगनिया आपके ऑप्शन में नहीं है इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का ई ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। बैरगनिया याद रखिएगा कि ये बैरगनिया में बिहार में जिस जगह पे बागमती नदी प्रवेश करती है उसको हम लोग कहते हैं बैरगनिया। और बिहार में आके ये 5 जगह याद रखिएगा, बिहार में ये दरभंगा में बहती है, सीतामढ़ी में बहती है, शिवहर में बहती है, मुजफ्फरपुर में बहती है और खगड़िया में बहती है। तो बिहार में 5 जगह, दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और खगड़िया में ये बहती है। अब बिहार में ही ये दो शाखा बागमती नदी जो है, जो दो शाखा हो जाती है, दो टियर टू ब्रांचेस, दो शाखा। और बेगूसराय के पास बागमती नदी की एक शाखा बूढ़ी गंडक नदी में मिल जाती है। याद रखिएगा, बेगूसराय के पास बागमती नदी की एक शाखा बूढ़ी गंडक नदी में मिल जाती है, वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ बागमती रिवर मीट्स बूढ़ी गंडक नियर बेगूसराय। और जो मुख्य जो धारा है वो आगे चलती है,
और खगड़िया के निकट एक जगह है बोरनेस्थान, जगह का नाम है बोरनेस्थान, और बोरनेस्थान में जाके ये कोसी नदी में मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं, विथ विच रिवर डज बागमती रिवर मर्ज, बागमती नदी किस नदी के साथ मिलती है? तो जैसा हम लोग डिस्कशन किए, तो बूढ़ी गंडक और कोसी। बूढ़ी गंडक आपके ऑप्शन में नहीं है, तो सही ऑप्शन है आपका कोसी। तो बागमती नदी जो है खगड़िया जिला में कोसी में जाके मिल जाती है। तो बागमती नदी किस नदी के साथ मिलती है? तो वो है कोसी। क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन है ए। अब हम लोग बागमती नदी की एक सहायक नदी है, और बागमती नदी की जो सहायक नदी है उसको हम लोग लखनदेई नदी कहते हैं, लखनदेई। क्वेश्चन नंबर 11 उसी पे है, थ्रू हाउ मेनी कंट्रीज डज लखनदेही रिवर फ्लोज, नेपाल से। ये भी नदी नेपाल में ही इसका उद्गम स्थल है, नेपाल में ही ऑरिजिन है, तो नेपाल से फिर ये बिहार में आती है, यानी सही ऑप्शन होगा नेपाल और इंडिया। तो 11 का सही ऑप्शन है ए, 11 का सही ऑप्शन है डी, यानी सही ऑप्शन है ई, मोर देन वन ऑप्शन। लखनदेही नदी कितने देशों में होकर बहती है? तो एक नेपाल से बहती है, नेपाल से ये इसका उद्गम स्थल है, फिर बिहार यानी भारत में प्रवेश करती है, और ये बागमती नदी की एक सहायक नदी है लखनदेही नदी। तो 11 का सही ऑप्शन है ए नेपाल, बी डी भारत, यानी सही ऑप्शन ई, एक से अधिक विकल्प। लखनदेही नदी जो है बहुत सारी छोटी छोटी धारा से मिलकर बनी है, और इसका उद्गम जो है शिवालिक हिमालय है, और जो इसकी मुख्य धारा है उसको हम लोग सरलाही जिला कहते हैं। याद रखिएगा ये शब्द सरलाही जिला, अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। लखनदेही का जो मुख्य, हम लोग कोसी नदी का ही देखेंगे कौन कौन धारा मिलके ये कोसी नदी बनती है, उसी तरह लखनदेही नदी जो है उसकी मुख्य धारा जो है सरलाही जिला कहते हैं। बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? तो बिहार में ये सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है, और सीतामढ़ी से होते हुए ये मुजफ्फरपुर जिले में पहुंचती है, और मुजफ्फर जिला में जगह है कटरा, जम्मू वाला कटरा नहीं, बिहार वाला कटरा। तो इस कटरे में बागमती नदी से जाके ये विलय हो जाती है, यानी मिल जाती है। बहुत ज्यादा बाढ़ भी आता है इस पानी में, इसको बोला जाता है बाढ़ की विभीषिका। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, देखिए मिस कर गए हम लोग, ये नदी बाढ़ की विभीषिका के लिए जानी जाती है। तो लखनदेही नदी जिसकी मुख्य धारा है सरलाही जिला, भारत में बिहार के सीतामढ़ी जिले से प्रवेश करती है, फिर वहां से मुजफ्फरपुर जिले जाती है, और मुजफ्फरपुर जिले में कटरा नामक जगह है जहां पे ये बागमती नदी में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, एट विच प्लेस डस लखनदेही रिवर एंटर्स बिहार, लखनदेही नदी किस स्थान पे बिहार में प्रवेश करती है? तो सही ऑप्शन है सीतामढ़ी, लखनदेही रिवर एंटर्स बिहार एट सीतामढ़ी। क्वेश्चन नंबर 12 सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 13, विथ विच रिवर डज लखनदेही रिवर मर्जेस, लखनदेही नदी किस नदी के साथ मिल जाती है? तो ये बागमती नदी की सहायक नदी है, इट इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ बागमती रिवर। तो लखनदेही रिवर मीट्स बागमती, 13 का सही ऑप्शन है ए। लखनदेही नदी किसके साथ मिलती है? तो ये बागमती नदी के साथ मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद कब स्थापित किया गया था? When was बिहार राष्ट्रभाषा परिषद established? तो ये 1950 में बिहार राष्ट्रभाषा परिषद स्थापित की गई थी। The बिहार राष्ट्रभाषा परिषद was established in the year 1950। 14 का सही ऑप्शन है ए। और जो है राष्ट्रभाषा हिंदी को समृद्ध करने के उद्देश्य से इसका
ये परिषद को की स्थापना हुई थी। और उस समय बिहार के तत्कालीन जो राज्यपाल थे उनका नाम था माधव श्री हरि अने, माधव श्री हरि अने, और इन्हीं की अध्यक्षता में ये आपका बिहार राष्ट्रभाषा परिषद की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 15, बिहार उर्दू अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बिहार उर्दू अकादमी? द आंसर इज पटना। तो बिहार उर्दू अकादमी का मुख्यालय पटना है। बिहार उर्दू अकादमी, द हेडक्वार्टर ऑफ बिहार उर्दू अकादमी इज सिचुएटेड एट पटना। बिहार उर्दू अकादमी की स्थापना 1972 में हुई थी और इसका उद्देश्य था कि उर्दू भाषा को समृद्ध करना, टू प्रमोट द यूज ऑफ उर्दू लैंग्वेज। इनका एक जो है मासिक पत्रिका है, दे हैव अ मंथली मैगजीन, इनका एक मासिक पत्रिका है जिसको हम लोग जवान ओ अदब कहते हैं। इनके मासिक पत्रिका या इनके पब्लिकेशन का नाम जवान ओ अदब है। जो भी बिहार के मुख्यमंत्री होते हैं, हुएवर इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, इसके अध्यक्ष होते हैं। उर्दू अकादमी के जो अध्यक्ष चेयरमैन बिहार के मुख्यमंत्री होते हैं, तो श्री नीतीश कुमार जी जो हैं इसके मुख्यमंत्री हैं। तो इसी के साथ आपका ये वीडियो टेस्ट सीरीज बिहार स्पेशल ये खत्म होता है और अगले वीडियो में हम लोग टेस्ट 7 का डिस्कशन करेंगे।